हर झारखंड न्यूज़ देख रहे हैं। मैं सनोज कुमार संगम और इस वक्त मैं नवादा जिला के रजौली प्रखंड में हूं और आज यहां तीसरे चरण की मतदान हो रही है और सभी मतदाता अपने अपने मत अधिकार का प्रयोग कर रहे हैं और मैं अभी इस वक्त पहुंचा हूं उत्कर्मित मध्य विद्यालय चौथा प्रखंड रजौली में पड़ता है और यहां देखिए लंबी कतार में सभी मतदाता अपने अपने मत अधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। और आइए मैं जानते हूँ कि किस मुद्दे पे इन लोग अपना अपना मत अधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। बताइए आपने यहाँ वोट डालने के लिए आए हैं, क्या मुद्दा है, किस उद्देश्य से वोट डालने के लिए आए हैं? अपने खुशी के मुद्दे से आए हैं। और लोग हैं जानना चाहते हैं, बताइए वो आप वोट डालने के लिए आए हैं, गांव की सरकार बना रहे हैं, क्या मुद्दा रहेगा आपका? मुद्दा रहेगा वोट तो देना ही है, बहुत ज़रूरी देना है। कैसे प्रत्याशी को आप चुनने जा रहे हैं? अब तो हम क्या बतावे, अपना दिल की बात हम कह दें इस पर कि हम इसी का दे वोट, जो हमारा इच्छा करेगा उसको हम देंगे। चलिए, लोगों का इच्छा है, जो इन लोग का इच्छा होगा वही वोट करेंगे। आइए मैं जो है और कुछ युवाओं से जानते हैं, क्या क्या मुद्दा है, किस सोच के वोट आए हैं देने के लिए? क्या सोच के आए हैं? मतदान करना है, अपना मन की सरकार बनाना है। कैसे लोगों को आप लोग चुनने के लिए जा रहे हैं? वो तो बताएगा 10 तारीख को, आज थोड़ी बताएगा, आज तो मतदान करेंगे, 10 तारीख को बताएगा कि कैसा आदमी चुनना है, नहीं चुनना है जो। चलिए, सब लोग अपने अपने जो है से मन में ही रखकर लोगों को जो है से चुनेंगे, अपने उम्मीदवार को चुनेंगे, अपने गांव के लिए सरकार को चुनेंगे। और आइए कुछ महिला लोग हैं, उनसे भी हम आपको रूबरू कराते हैं, जानना चाहते हैं कि कैसे लोगों को इन लोग चुनेंगे। बताइए आप लोग वोट देने के लिए आए हैं, क्या मुद्दा है, कैसे लोगों को चुनिएगा, बोलिए क्या नाम हुआ? चलिए, इन लोग शर्मा रहे हैं, बोलने से हिचकिचा रहे हैं। और कुछ महिला है, उनसे भी देखते हैं। बताइए क्या मुद्दा है, कैसे लोगों को चुनिएगा? गांव की सरकार बना रहे हैं, लंबे कतार में जो है से घर से आ रहे हैं, बोलिए। क्या बोले हम? कुछ नहीं बोलिएगा, कुछ तो बोलिए। चलिए, इन लोग बढ़िया से रहेगा, सबको सुशिक्षित मिलेगा, खाने पीने मिलेगा, अच्छा बस्ती रहेगा। आप क्या कहेंगे, हमको मुखिया अच्छा रखेगा। चलिए, इन लोगों को कहना है कि जो विकास करेंगे, जो हमारे मुखिया अच्छा है, जो हमारे भलाई के लिए सोचेंगे, उन लोगों को मैं चुनेंगे। धन्यवाद। मैं सनोज कुमार संगम, क्राइम 7 न्यूज। सर, मैं यहाँ पेट्रोलिंग मजिस्ट्रेट हूँ और अटैटिस भी हूँ। 158 बूथ नंबर पर 42 वोट पड़े हैं, 22 महिला के और 20 पुरुष के। यहाँ लिटरेसी की कमी है, वोट देने में लोग ज़्यादा समय ले रहे हैं, समझाना पड़ रहा है और शांतिपूर्ण ढंग से वोट पड़ रहा है। कोई तरह का दिक्कत नहीं? नहीं, अभी तक कोई तरह की परेशानी नहीं आई है। सर, जरा परिचय बताइए। मैं डॉक्टर रविंद्र कुमार, महिला कॉलेज वार्ड सलीगंज।